टी20 विश्व कप 2022 के तीन मैच बचे हैं, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल से पहले इस मैचों के लिए कुछ नियम बदल दिए गए हैं। जो नियम बदले गए हैं, क्या वो भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, यह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। टी20 विश्व कप 2022 का सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाना है। जो चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं वो आप जानते हैं। ग्रुप वन से अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए आई है, जबकि ग्रुप टू से भारत और पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। लेकिन इन मैचों से पहले, सेमीफाइनल मैच से पहले ही आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए कुछ नियम बदल दिए हैं। तो क्या नियम बदला है वो बताऊं। उससे पहले बता दूं कि आपने देखा है कि इस विश्व कप में कितने ही मैच बारिश की नजर हो गए। बारिश एक खलनायक के तौर पर आया और कई मैचों के परिणाम को प्रभावित कर गया। अगर बारिश के दर्द के बारे में पूछना हो ना तो आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से पूछ सकते हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि बारिश जब होती है तो डकवर्थ लुईस मेथड का सहारा लिया जाता है और 5 ओवर के खेल के बाद डिसीजन दे दिया जाता है, तो इतने छोटे अंतराल में कई बार गेम जो है वो कमजोर प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में भी चली जाती है, कमजोर टीमें भी जीत जाती हैं। तो इन सब को देखते हुए आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है और अब सेमीफाइनल और फाइनल में जो डकवर्थ लुईस मेथड काम करेगा वो 5 ओवर के बाद काम नहीं करेगा, बल्कि 10 ओवरों के बाद काम करेगा। मतलब कि पहले बल्लेबाजी करने के बाद जब दूसरी पारी जब शुरुआत होती है या जो मैच होता है वो कम से कम 10-10 ओवर का तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही डकवर्थ लुईस मेथड के अनुसार जो है वो निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी की, पहले क्या होता था लीग मैचेस में कि 5 ओवर के बाद अगर बारिश हो गई तो उस वक्त डकवर्थ लुईस मेथड से जो टीम आगे रहती थी उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब उसकी वो जो है वो मिनिमम 10 ओवर का खेल होगा, तभी डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो प्ले में आएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कि 10 ओवर का प्ले नहीं होता है सेमीफाइनल में तब क्या होगा। तो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। मतलब जैसे 9 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल है तो 10 तारीख रिजर्व डे है। इसी तरह से अगर 10 तारीख को भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल है तो 11 तारीख जो है वो रिजर्व डे है। लेकिन ये रिजर्व डे क्या है कि जितने तक का खेल हो चुका है उससे आगे का खेल अगले दिन खेला जाएगा। मतलब 9 तारीख को मान लीजिए कि पूरा खेल नहीं हो पाता है तो 10 तारीख को उस खेल को लेकर जाया जाएगा। उसी तरह से 10 तारीख को अगर खेल नहीं हो पाता है तो 11 तारीख को लेकर जाएगा, और यही रूल जो है आपको फाइनल में भी होगा। लेकिन सेमीफाइनल में यहां पर एक और लोचा है। मान लीजिए कि अगर 9 तारीख को तो मैच नहीं हो, जो रिजर्व डे है वो भी बारिश से धुल जाए, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 9 को मैच है, 10 को रिजर्व डे है, अब 10 को भी बारिश हो गई, फिर क्या होगा। या भारत का मैच जैसे 10 को है, 11 को रिजर्व डे है, अब 11 तारीख को भी अगर मैच नहीं होता तब क्या होगा। तब आपको बता दूं कि ये निर्णय लिया गया है कि जो टीम ग्रुप को टॉप करके आई है उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस लिहाज से देखें तो ये नियम भारत के लिए बहुत फायदे का होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10 और 11 को मैच नहीं होता है तो भारत अपने ग्रुप को टॉप करके आ रहा है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसी तरह से इसका फायदा न्यूजीलैंड को भी मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने ग्रुप से टॉप करके आया है, पाकिस्तान दूसरे नंबर की टीम है अपने ग्रुप में, तो अब अगर 9 और 10 तारीख को मुकाबला नहीं होता तो न्यूजीलैंड की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो यह सेमीफाइनल का नियम हुआ। और फाइनल में क्या होगा, अगर 13 को मैच नहीं हो पाता है तो जितने देर तक का अगर मैच होता वो 14 को आगे बढ़ेगा, और मान लीजिए 13 धुल गया और फिर बाद में 14 भी धुल गया तब क्या होगा। तब इस बार जो है
और किसी नियम का सहारा नहीं लिया जाएगा, दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बदलाव जो है वो विश्व कप के नियमों में आईसीसी के द्वारा किया गया है, और इस नियम के लिहाज से देखें तो सेमीफाइनल में जो जो टीमें अपने ग्रुप को टॉप करके आई हैं उनके लिए अगर बारिश से दोनों दिन का खेल धुल जाता है तो फायदे वाली स्थिति रहने वाली है। हालांकि इतिहास जो है वो भारत के बहुत पक्ष में आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2019 का वर्ल्ड कप, आपको याद होगा भारत का सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड से था, और जो पहले दिन जो मैच हुआ था उस दिन भारत ने न्यूजीलैंड टीम की हालत खराब कर दी थी और 211 रनों के आसपास उस टीम को रोका था 46 ओवर में, और फिर अगले दिन जब रिजर्व डे पर खेल उससे आगे बढ़ा तो न्यूजीलैंड ने तकरीबन 240 रन बनाए थे, और फिर भारतीय टीम वो उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी थी, और महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा अगर हम पीछे 2002 में जाएं तो उस वक्त भी वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो उस वक्त भी जो भारत और श्रीलंका की टीमें फाइनल में थी, पहले दिन भारत ने श्रीलंका को 245 रनों के आसपास रोक लिया था, लेकिन कुछ एक ओवर ही हुए थे, दो ढाई ओवर हुए थे कि बारिश हो गई और फिर रिजर्व डे पर मैच खेला गया, और उस वक्त नियम यह था कि रिजर्व डे पर पूरा मैच खेला जाएगा, तो फिर पूरा मैच हुआ तो फिर भारत ने श्रीलंका को जो है वही 246 रनों के आसपास रोका, और भारतीय टीम जो है 36-38 रन पर एक विकेट के नुकसान पर थी कि फिर बारिश हो जाती है, और फिर बारिश रुकती नहीं तो भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। लेकिन ये तो इतिहास की बातें हुई, लेकिन फिलवक्त जो नियम बना है वर्तमान में उससे सेमीफाइनल में ग्रुप लीडर को फायदा होने जा रहा है अगर दोनों ही दिन बारिश जबरदस्त हो और मैच धुल जाए, तब तो वैसी स्थिति में भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी विश्व कप के नियम बदले गए हैं सेमीफाइनल फाइनल के लिए वही बताने के लिए मैं आया था, जो भी विश्व कप में होता रहेगा वो बताने के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा। बस आप बने रहिए न्यूज़ 22 स्कूप के साथ। नमस्कार।